my dear students and friends, welcome back. Here I am going to make a new video for you, and the topic of that video is the double questions in English. You know, in Hindi we speak sometimes double questions in a sentence, like hum poochte hain, kya main jaan sakta hu aapka naam kya hai. डबल क्वेश्चन आर देयर, क्या मैं जान सकता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है. आपका नाम क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है. लेकिन जब हम इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं, देन देयर शुड नॉट बी एनी डबल क्वेश्चन. तो इंग्लिश में डबल क्वेश्चन नहीं होते हैं. तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. तो जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां पे सिंपल, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम. तो चूंकि ये क्वेश्चन है, सिंगल है, तो ये ऐसे ही रहेगा, व्हाट्स योर नेम. लेकिन जैसे अभी मैंने आपसे पूछा हिंदी में, क्या मैं जान सकता हूं आपका नाम क्या है, तो हिंदी में डबल क्वेश्चन हो गया. लेकिन यही सेम अगर आप इंग्लिश में पूछेंगे, क्या मैं जान सकता हूं, तो मे आई नो, ये तो हो गया आपका, क्या मैं जान सकता हूं आपका नाम क्या है. तो अगर आप व्हाट्स योर नेम इसके आगे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा. जैसे अगर हम यहां लिख दें व्हाट इज योर नेम, अगर हम ये कहेंगे तो ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है. लेकिन बोलने में मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑब्जर्व पीपल स्पीक दैट सेंटेंस इन दैट वे ओनली, मे आई नो व्हाट्स योर नेम, पर ये गलत है, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे. तो ये मैंने बताने के लिए आपको लिखा है गलत सेंटेंस, पर ये ऐसे नहीं होगा. तो क्या था सेंटेंस, मे आई नो, अगर आपने सेम लिख दिया व्हाट इज योर नेम तो गलत हो गया. तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है डबल, और डबल नहीं हो सकता, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका हेल्पिंग वर्ब हम लास्ट में ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद. तो मे आई नो व्हाट योर नेम इज, लेकिन क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इसमें जो पहला है वो क्वेश्चन है, मे आई नो व्हाट योर नेम इज. तो ये इस तरीके से होता है, डबल क्वेश्चन नहीं होगा. अब हम एक और लेते हैं, जैसे मैं कहूं मुझे पता है आपका नाम क्या है, तो डबल क्वेश्चन नहीं होता, ये बात आपने समझ ली पहले. लेकिन क्वेश्चन अगर बीच में आएगा सेंटेंस के, तो भी वो क्वेश्चन नहीं होगा. अब जैसे मैंने कहा मुझे पता है, आई नो, अब इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हो सकता. जैसे अगर मैं इसके बाद लिख दूं व्हाट्स योर नेम, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने बोला, पहला तो मैंने बोला एक क्वेश्चन पहले हो गया, दूसरा क्वेश्चन बाद में, तो इंग्लिश में बाद में क्वेश्चन नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे. उसी तरह बीच में भी क्वेश्चन अगर हो रहा है, किसी सेंटेंस को शुरू कर दिया बीच में क्वेश्चन हो रहा है, तो वो क्वेश्चन में नहीं रहेगा. तो आई नो व्हाट्स योर नेम, तो ये गलत है, इसको हटा देते हैं, ठीक है. अब मैं यहाँ क्या कहूंगा, आई नो व्हाट योर नेम इज, मुझे पता है जो आपका नाम है. अब इसमें हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई नो है, ये क्वेश्चन नहीं है पहला जो हमने बनाया, ठीक है. कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे बताओ, जैसे मैंने कहा किसी से, मैं अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चे से पूछा, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो तुम,
मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ जा रहे हो क्वेश्चन बीच में आएगा इंग्लिश में तो क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो टेल मी तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। क्वेश्चन नहीं है इसलिए फुल स्टॉप का यूज करेंगे। टेल मी वेयर यू आर गोइंग। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको पूछो क्या वो मेरे लिए एक कप चाय बना रहा है। तो देखिए डबल क्वेश्चन फिर आ गया बीच में, तो उसको पूछो तो आस्क हिम। अब क्या वो मेरे लिए, तो इसमें कोई इंटरोगेटिव वर्ड्स हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपल पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए चाय बना रहे हो, तो हम पूछते हैं आर यू गोइंग टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। तो हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन बन रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है वहां पे। तो हमें वहां पर इफ या वेदर का यूज करना पड़ता है। तो आस्क हिम इफ, या हम वेदर भी बोल सकते हैं। तो यहां पे हम इसको कैसे, आस्क हिम इफ ही और शी जो भी है, तो ही शी इज गोइंग टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, तो आस्क हिम इफ या वेदर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ही और शी इज गोइंग टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, उससे पूछो क्या वो मेरे लिए चाय बना रहा है या बना रही है। ठीक है, अभी इसको कुछ और लेते हैं हम यहाँ पे, फिर मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा सेकंड, उसमें हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने उससे पूछा तो वो जो पास्ट में होगा, इसलिए अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन मेक दीज सेंटेंसेस, जस्ट राइट दीज सेंटेंसेज इन दी कमेंट बॉक्स बिलो दैट वीडियो। आई विल चेक देम एंड आई विल लेट यू नो। एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली आई मेक वीडियोज फॉर यू टू लर्न इंग्लिश थ्रू माई चैनल, बट स्टिल इफ यू थिंक दैट यू नीड माई पर्सनल गाइडेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग ग्रामर और फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक IELTS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू मे कॉन्टेक्ट मी। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई ईमेल ID एंड स्काइप ID हियर इन दैट वीडियो एंड बिलो दैट वीडियो, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो आई गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स हियर, लाइक जैसे क्या तुम जानते हो कि वो स्कूल कब जाता है या कब जाएगा। चलो फ्यूचर में ले लेते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो दिल्ली कब जाएगा। डू यू नो, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन में नहीं बनेगा इंग्लिश में। डू यू नो व्हेन ही विल गो टू दिल्ली, तो ये क्वेश्चन मार्क होगा। वी नो व्हेन ही विल गो टू दिल्ली। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में तो वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट हाउ यू कैन मेक एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ओके, so keep watching my videos, subscribe to my channel to watch my new videos, share my videos, like my videos. Thanks for watching that video. Thank you.